क्या आपके यहाँ कभी ऐसा आया पत्नी के साथ कोई लाया हो, किसी ने डेमो दिखाया हो, फ्री में चाय पी गया कोई आया? शेर आया शेरनी को लेके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और अभी हमें ग्वालियर में एक्चुअल में मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग सीरीज थी मेरी, मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाह रहा था, प्लेसेस के ब्लॉग बनाना चाह रहा था, फूड का ब्लॉग नहीं कवर करना चाह रहा था। पर ग्वालियर के इतने यूनिक और अजीब गरीब फूड कुछ तो स्ट्रीट फूड मैंने आपको दिखाया था, आपने भगत जी के गोलगप्पे वाला नहीं देखा, इतने स्पाइसी यार गोलगप्पे मैंने सच में पहली बार खाए। और इसी तरीके से अभी हम ऐसी यूनिक और अद्भुत जगह पे पहुंच चुके हैं जो एक चाय वाले हैं, तो उनके बारे में हम आपको कुछ डिटेल देते हैं। बट पहले, उससे पहले कुछ टर्म्स और कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका कभी प्यार में दिल टूटा हुआ है और अब आपको प्यार में धोखा मिला हुआ है, तो आप कालू बेवफा चाय वाले के पास आके चाय उनकी ज़रूर टेस्ट कर सकते, और अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आए और फ्री में डेमो कराएंगे तो फ्री में चाय मिलेगी। अगर फिर भी आपका अगर दिल टूट गया, प्यार में धोखा मिला है आपको, तो 5 रुपये में चाय मिलेगी। और चेक करते कि सिर्फ ये नाम से बेवफा है कि सच में इनकी चाय का कुछ टेस्ट है। चलिए टेस्ट करके आपको इनकी चाय बताते हैं। ये स्पेशली आप पढ़ लीजिए, देख लिखा है कालू बेवफा चाय वाला, और ये सारा है कंसर्न, और ये नीचे लिखा है ये कंडीशन अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ चाय फ्री में पीने आ जाएं, अगर ऐसा कुछ हो आपके पास तो। ये पूछ रहा है कि जैसे आपकी जो प्यार में धोखे वाली चाय 5 रुपये की है, अकेलेपन वाली 20 रुपये की है, ऐसा कैसे, जबकि हम तो खुद ही धोखा खाए हुए हैं, तो हमें कुछ मरहम मिलेगा उसमें, मतलब कुछ राहत मिलेगी चाय पीने के बाद? अच्छा, कितनी बेस्ट चाय। अच्छा, और प्यार में धोखे वाली जो 5 रुपये वाली चाय, वो मैं क्या क्वालिटी आपको दे सकता हूँ? तो फिर भी धोखा कर रहे हैं, मतलब 5 रुपए बेचारे का ऑलरेडी धोखा है उसके साथ भाई, धोखा हुआ है हमारे साथ, और फिर इधर चाय में भी धोखा हो जाए। तो आप कौन सी अकेलेपन वाली चाय बना रहे? मैं आपके लिए अकेलेपन वाली चाय। क्या आपके यहाँ कभी ऐसा आया पत्नी के साथ कोई लाया हो, किसी ने डेमो दिखाया हो, फ्री में चाय पी गया कोई आया अभी तक? अभी तक तो कोई शेर नहीं आया। एक शेर आया शेरनी को लेके, तो बेचारा शेर पीका प्रदेश, शेरनी ने 100 करोड़ दिया भाई, मुझे मनचाहा प्यार मिला है। अच्छा, मनचाहा प्यार मिला है। तो मतलब अभी तक ऐसा कोई शेर पैदा नहीं हुआ जो शेरनी को साथ लेके आया और फ्री में चाय पी गया हो? अभी तक कोई शेर आया नहीं, आएगा भी नहीं। प्यार में धोखा वाली चाय इनकी 5 रुपये की है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्या बोलूँ उसके बारे में? बोल। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। छोड़िए, अभी इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ की बहुत सही चाय है, अकेलापन चाय है 20 रुपये में। 20 रुपये में अकेलापन चाय बोली है? मुझे तो नहीं लगता कि वो 20 रुपये लायक है। आप खुद देख सकते हैं, एक बंदा है, पढ़ता लिखता है, MBA करता है, फिर पब्लिसिटी करता है, पब्लिसिटी के लिए अच्छे ऐड करता है, सिर्फ टोटली ये दिखता है मुझे, पब्लिसिटी स्टैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो 20 रुपये की चाय है, वो 12 से 15 रुपये प्राइस उसका बहुत सही है, 12 से 15 रुपये में प्राइस में कोई गलत नहीं है, बहुत सही है 12 पर 20 रुपये। ये सिर्फ पब्लिसिटी जो करते हैं, जो इस तरीके का ऐड करता है, वो है और अदरवाइज़ नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बस आप देख सकते हो इंडिया में कितना यूनिक और अनोखा तरीका है, इस तरीके से हम कुछ भी बेच सकते हैं अपना, बस लोगों को थोड़ा इमोशनल अटैच करना है और पब्लिसिटी करनी है अपनी थोड़ी। और आपको चाय पर बहुत से यूट्यूब ब्लॉगर हैं ग्वालियर के, उन्होंने डाला है, तो मुझे लगा एक बार मुझे भी टेस्ट करनी चाहिए, बट वर्थ नहीं है यहाँ आना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बस इससे आपको ये पता चल जाता कि अगर आपको कभी भी पब्लिसिटी कैसे की जाती है, क्योंकि क्या नया और यूनिक ला सकते हैं अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, बस इससे यही सीख मिलती है। चाय ठीक है, इनको प्राइस कम करने पड़ेंगे, प्राइस अगर 5 वाला तो पीना बेकार है, और तो डेमो कोई ले नहीं सकता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और वो अकेला पंचायत बोली, वो भी 20 रुपये
के हिसाब से मैं नहीं कर रहा था, उसका प्राइस जस्टिफाई करता है उसको 20 रुपये में। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी वीडियो ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग है मेरे ग्वालियर के, उनको भी। लुक्का छुपी मूवी देखी है तो आपको याद ये व्यू याद आ गया होगा कि ये ग्वालियर फोर्ट में ही उसकी शूटिंग हुई थी।